उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं है। कल गुरुग्राम के मेदांता में उनका निधन हो गया और उसी के बाद से न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में शोक की लहर है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज अंतिम संस्कार किया जाएगा दोपहर 3:30 बजे मुलायम सिंह यादव का, लेकिन उससे पहले वो अपने पैतृक आवास यानी सैफई से उनकी पार्थिव शरीर के साथ जो उनका काफिला है वो निकला, ताकि अंतिम दर्शन के लिए जो हजारों की संख्या में लोग उमड़े हैं वो एक झलक नेताजी की पा सकें। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि कल उनके निधन के बाद सैफई उनका पार्थिव शरीर यानी उनके पैतृक गांव उनके आवास पर लाया गया था, और यहीं पर तमाम जो दिग्गज हैं वो उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। अखिलेश यादव से लेकर उनके भाई राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, हर कोई गमगीन। और मेरे सहयोगी राममोहन शर्मा हमारे साथ बने हुए। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। राम, इस वक्त वहां पर आप क्या देख पा रहे हैं, जो भी जानकारी है हमारे दर्शकों को बताइए। इस वक्त हम आपको सीधे मंच की तस्वीर दिखा रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी विशाल पांडे हैं, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति की नब्ज को समझते हैं, समाजवादी पार्टी को बहुत करीब से जानते हैं। लेकिन पहले एक मंच की तस्वीर में दिखाऊं विशाल से बात करने से पहले। लगातार जो मुलायम सिंह यादव के प्रशंसक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके चाहने वाले हैं, वो लगातार उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। लाखों की संख्या में सैफई में कार्यकर्ता पहुँचे हैं। और कल जो है वो जैसे ही शाम से ये जानकारी लोगों को लगी थी कि सैफई नेताजी का पार्थिव शरीर पहुंच रहा है, तब से लेकर अब तक हम लोगों की कतार, लोगों का हुजूम लगातार हम देख रहे हैं। विशाल भी हर चीज़ को बारीकी से देख रहे हैं। विशाल, ये जो कमाई है जिसको कहिए कि अंतिम क्षणों में आपने जितने लोग आए कमाए हैं, वो अगर आपके पास है तो वही जीवन की आखिरी कमाई है। नेताजी की जीवन यात्रा को कैसे देखते हैं? बिल्कुल राम, क्योंकि देखिए मुलायम सिंह यादव का जो पूरा जीवन रहा है वो संबंधों का आधार रहा है, और आज हम जो भीड़ यहाँ पर देख रहे हैं ये मुलायम सिंह यादव के समर्थक है, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश से दूर दूर से यहाँ पर आए हुए हैं। और आज हम देख रहे हैं कि न सिर्फ समाजवादी पार्टी के समर्थक नेता पहुँच रहे, बल्कि मंच में हमने देखा चंद्रबाबू नायडू पहुँचे थे, यूपी सरकार के कई कैबिनेट मंत्री श्रद्धांजलि देने पहुँचे हुए हैं, और साफ तौर पर आप देख सकते हैं आम लोगों को भी यहाँ इजाज़त दी गई है जो मंच पर जाकर नेताजी को श्रद्धांजलि दे सके। क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने जमीन से इस राजनीति की शुरुआत की, साइकिल चलाई, इसके अलावा यहाँ पर सैफई गांव से ही निकलकर उन्होंने इतना बड़ा राजनीति में अपना परचम लहराया, रक्षा मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, और अब उन्होंने नेता पैदा किए। छात्र संघ की राजनीति से लेकर मुख्यमंत्री तक का सफर, रक्षा मंत्री तक का सफर, इस दौरान उन्होंने अलग अलग जिलों में अपने कार्यकर्ताओं को डेवलप किया, उन्हें नेता बनाया, और आज यही हमें यहाँ पर इस पंडाल में दिखाई दे रहा है कि किस तरह से उनके चाहने वाले, उनके समर्थक यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कई और जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो अब से थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। फिलहाल हम मंच पर दिखाना चाहेंगे, आप देखिए समाजवादी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता और जो मुलायम सिंह यादव के परिवार के लोग हैं वो मौजूद हैं। अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव एक साथ बैठे हुए हैं, कई उनके वरिष्ठ नेता हैं, शफीकुर रहमान बर्क हमें दिखाई दे रहे हैं, स्वामी ओमदेश हैं, ओम प्रकाश सिंह हैं, इस तरह से तमाम नेता मंच पर मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले यूपी सरकार के 3 कैबिनेट मंत्री भी यहां पर पहुंचे थे जो श्रद्धांजलि देकर गए हैं। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव जो कि सियासत में पहलवान की तरह रहे, और अब अंतिम विदाई भी आप देख रहे हैं तो उनको देने के लिए लाखों की संख्या में यहां पर लोग जुटे हुए हैं राम। और खास बात यह है कि हर व्यक्ति को ऐसा लग रहा है, जिससे भी आप बात कीजिए पयोधी, तो उनको ये लग रहा है कि उनका अभिभावक चला गया, उनके परिवार का वरिष्ठ सदस्य चला गया है। वो भावना जैसे हम अखिलेश यादव को देख रहे हैं, धर्मेंद्र यादव को देख रहे हैं, धर्मेंद्र यादव की आंखों के तो आंसू रुके ही नहीं, तब से वो लगातार रोए जा रहे हैं, लेकिन ये पीड़ा आप हर चेहरे पर महसूस कर सकते हैं। और उसकी वजह ये है कि नेताजी को जो लोग कल वो तस्वीर राम हमने देखी थी, विशाल आप लोगों ने भी देखी होगी, जब पूरा परिवार एक साथ मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर के सामने खड़ा था, जब शिवपाल यादव उनके चरणों के सामने खड़े थे और एक तरह से हर कोई नतमस्तक था, और अखिलेश यादव की बात आपने की तो वो दिखा रहे थे, वो बड़े हैं, बेटे हैं, वो मजबूती भी अपने आप को दिखा रहे थे, और उनका जो दर्द है वो भी साफ तौर पर दिख रहा था। और ये जमीन से बने, जमीन से उपजे नेता, नेता का जो देखिए विस्तार है वो कैसा होता है, आज इन तस्वीरों के जरिए हम देख रहे हैं। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।
हैं।